भाई 2023 भी अब चला गया है ना। 2023 में बहुत सारे बिजनेसेस हुए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए हैं, ठीक है। तो ये साल तो गया, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे भी कमाए हैं, है ना। लेकिन एक नया साल, एक नया चैलेंज, तो एक नया साल 2024 जो कि बस अबाउट टू कम है, आने वाला है, तो यार इस साल में कैसा बिजनेस करना चाहिए और ट्रेंड किसका है जिससे एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा पैसा कमा पाए, है ये बात तो तू सही कह रहा है ना। कि कौन सा बिजनेस नेक्स्ट ईयर करें 2024 में। बात तो सही है, क्योंकि आखिरकार क्या ट्रेंड रहेगा और कौन सा बिजनेस करेंगे नए एंटरप्रेन्योर्स जिससे उनको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको भी तो नहीं पता ना करना पता क्या नहीं। चाहिए। तो मुझे, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि अब जो ट्रेंड कह रहा है अभी के टाइम में, ट्रेंड है ना 2024, तो 2024 तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं है ना, और और मेरे पास आइडियाज़, भी है, मेरे पास हाँ भी मेरे पास भी आइडियाज़ हैं जो 2024 के लिए बहुत सुटेबल होंगे। सुटेबल है ना। तो अपने आइडियाज का पिटारा खोलते हैं। खोलते हैं, है ना। तो मतलब 2024 एक नया साल, एक नया चैलेंज, और कुछ हिंट्स मिले हैं 2023 में स्टार्टअप आइडिया के थ्रू, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। एक नया आइडिया एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। एक नया बिजनेस आइडिया एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उन आइडियाज़ को कैचअप नहीं कर पाते, उन आइडियाज़ को सोच नहीं पाते हैं, हमेशा शॉर्टेज रहती है आइडियाज़ की, आइडियाज़ तो खासकर आइडियाज़। तो हम वो आइडियाज़ अब शेयर शेयर करते हैं। करते हैं। तो मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा सोचना है 2024 के लिए, जो फर्स्ट मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है और ख़तरनाक है वो, ठीक है, जो कि ट्रेंड में है, और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो भी इस आइडिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और अपना स्टार्टअप अबाउट टू लॉन्च करने वाले हैं, वो अच्छा, है AI, AI की दुनिया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI से रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं अभी 2024 में लॉन्च होने वाले हैं, और इससे पर्टिकुलर रिलेटेड अगर हम कोई आइडिया लॉन्च करते हैं जिसमें AI का यूज़ हो, ठीक है, और या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो AI से रिलेटेड कोई बिजनेस करता है तो काफ़ी ज़्यादा चलेगा वो। लाइक अभी रिसेंटली मैंने सुना है ओला के जो फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने अभी एक नया स्टार्टअप लॉन्च करने के बारे में सोचा है, उस पर काम भी कर रहे हैं, मतलब ओला से वो अलग एंटिटी है उनका, उसका नेम है कृत्रिम। अच्छा कृत्रिम जैसे चैटबॉट ये है ना, जैसे अपना GPT है ना, अपना चैट GPT जो है, तो चैट GPT के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी सर्च करो, है ना, तो इजीली मिल जाता है ना, मतलब अपने काम से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी सर्च करो तो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से जो ऑटो रिप्लाई आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से, है ना, कुछ भी आप पूछते हो तो वैसे वहाँ से निकलती है, किसी भी लैंग्वेज में पूछ लो आप, है ना। तो सेम एग्जैक्ट वैसे ही एक कृत्रिम नेम का जो भावेश अग्रवाल है ये लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट होगा, तो ये सभी के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट चैट GPT की तरह है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और अपॉर्चुनिटी है AI में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आपका क्या कहना है पहले तो इसके बारे में, AI के बारे में? तो AI इंटेलिजेंस, मतलब AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी के टाइम तो वैसे सभी के सभी, जितने भी मैंने देखा है बड़ी जो जितने भी कंपनीज है वो सारे फॉलो कर रहे हैं, और सब सभी के सभी AI में कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। क्योंकि अभी आप कुछ भी ओपन करो ना, कोई भी एक बड़ा ऐप ओपन कर लो या फिर गूगल ही ओपन कर लो, आजकल तो गूगल भी सर्च में AI ऑप्शन दिखाता है ना। आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लो तो कहते हैं कि आप AI भी हमारा यूज़ कर सकते हो। तो अब ऑलमोस्ट एक ट्रेंड सा ऐसा आ गया है जिसमें कि हर कोई AI का अब एक फैसिलिटी दे रहा है, दे रहा है। AI टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है अपने कस्टमर्स को रिझाने के लिए, अपने कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसी में भावेश अग्रवाल भी इस कॉम्पिटिशन में आना चाहते हैं, और भावेश अग्रवाल
के पास, एक्चुअली क्या कि ओला के पास बहुत बड़ा डेटा बेस है, कस्टमर डेटा बेस बहुत बड़ा है ओला के पास. और ओला अगर सही में अगर ओला लेके आती है अपने अपने ऐप्स के ऊपर जो इसके जो राइड लेने वाले ऐप्स हैं, ठीक है, या जो जिसके ऊपर हम कैब्स बुक करते हैं, तो अगर वो एक लेके आते हैं या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा वो ओला के लिए भी फायदेमंद होगा. वरना उबर तो इंटरनेशनल कंपनी है, तो उबर तो क्या होता कि क्या पता कुछ बेटर प्लानिंग कर रही हो एआई के लिए भी. तो एक कंपटीशन सा बन गया है, एक एआई को लेके बहुत बड़ा कंपटीशन. तो ये बात तो सच है कि आप एआई से रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप कर सकते हो अभी के टाइम में, क्योंकि एआई ने पूरा मार्केट जो है ना कैप्चर करना शुरू कर दिया है. बिल्कुल, क्योंकि जब से ये जो चैट जीपीटी का जब से ये ट्रेंड आया ना, चैट जीपीटी ने इतने फायदे दे दिए लोगों को, और चैट जीपीटी के कारण कई स्टार्टअप्स भी बन गए, कई आइडियाज भी आ गए, लोगों को बड़ा आसानी हो गया है कोई भी कंटेंट. अब क्या है कि कंटेंट अगर किसी को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट तो चैट जीपीटी दे दे रहा है. बिल्कुल. तो अब देखो ना कितना शॉर्टेज हो गया है कि एक प्रोफेशनल की जरूरत ही नहीं है. अभी कोई भी जाता है चैट जीपीटी में, कोई भी अपना कंटेंट बनाता है और डाल देता है डिस्क्रिप्शन. तो बहुत फायदेमंद हुआ है, बहुत फायदा मिला है एआई से. तो एआई आपके पास सही है कि एआई सही है, मतलब आने वाला मार्केट एआई से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, और इसके लिए एआई से एक्सपोजर बहुत है आने वाले टाइम में. एआई के लिए मतलब जो 2024 है इसमें एआई का एक्सपोजर बहुत होगा मार्केट में. मतलब एआई ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी की तरह आप कुछ कृत्रिम टाइप का कुछ ऐसा चैट बोट बना दो, ठीक है, जिसके थ्रू लोग कोई भी क्वेश्चन पूछें, कोई भी सवाल पूछें, तो जो भी डिफिकल्टीज लोगों के माइंड में है वो डिफिकल्टीज को सॉल्व कर दे. ठीक, वैसे बहुत सारे कंपनीज कर रही हैं अभी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स अभी के टाइम में क्या कर रही है, अगर लाइक किसी को बिजनेस करना है, ठीक है, लाइक मैं एक नया एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे एक नया स्टार्टअप लॉन्च करना है ई कॉमर्स में, ठीक है, तो मुझे एक वेबसाइट चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू मैं किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करूं, लाइक अमेज़न तो नहीं बोलूंगा, बस एक वेबसाइट, कुछ भी वेबसाइट. तो इस टाइप के अभी भी ब्रांड आ रहे हैं जिनके पास एआई के थ्रू वो एक प्लेटफॉर्म रेडी करके, ठीक है, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को वो प्रोवाइड करवा रहे हैं. अभी जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा कि तो शॉपिफाई भी आज के डेट में, शॉपिफाई के ऊपर भी अब शॉपिफाई वाले क्या कर रहे हैं कि शॉपिफाई भी अब एक ऑप्शन देने लगी एआई के ऊपर. अच्छा, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक रेडीमेड ऑप्शन दे रहे हैं. तो अगर जैसे कोई डी टू सी साइट अगर बनाना चाहता है तो वो डी टू सी साइट पे अगर, क्योंकि एआई अगर आप कोई नया डी टू सी साइट बना रहे हो तो आप एआई को कनेक्ट करोगे तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत खर्च आएगा ना, क्योंकि आप कोडिंग कराओगे, सब कुछ कराओगे डेवलपर को, कहेंगे डेवलपर को पैसा देना पड़ेगा. लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जैसे शॉपिफाई सबके लिए रेडीमेड साइट बना के देती थी, तो शॉपिफाई रेडीमेड साइट्स के ऊपर अब एआई को भी वो क्या कह सकते हैं, कनेक्ट कर दी है. ठीक है, तो अब ये एक ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपको कम पैसों में अगर एआई का मजा लेना है, अपने कस्टमर्स को देना है, तो शॉपिफाई की वेबसाइट्स बनाओ. अब क्या होगा कि आप अपने कस्टमर्स को एक एआई का फुल फ्लेज एक ऑप्शन दे सकते हैं, अपने शॉपिफाई के थ्रू दे सकते हैं. एक तो ये हो गया, तो ये हो गया उनके लिए जो कि एक प्रोडक्ट या फिर कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो वो शॉपिफाई के वेबसाइट के थ्रू एआई का मजा लेते हुए कर सकते हैं. दूसरा है इसी में बड़ा बड़ा बिजनेस, जैसे इसमें कोई अगर अपना सॉफ्टवेयर ही खुद का बनाना चाहता है तो इस टाइप का एग्रीगेटर बनके कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकता है डोमेन लेके, जैसे किसी को थर्ड जैसे कोई कोई बंदा कोई बिजनेस करना चाहता है, डी टू सी साइट बनाना चाहता है, तो उसको वो एक एज अ सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे सकता है जिसमें कि एआई कनेक्ट करके. इसके भी बिजनेस बहुत मतलब है ना, तो दोनों दो टाइप के बिजनेस इससे हैंडल होंगे. और लाइक मैंने अभी और भी जो बिजनेसेस अभी रन हो रहे हैं मार्केट में, जैसे एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स क्या करती है, लाइक कस्टमर्स से डील करना पड़ता है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है ना. तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को मैंने देखा है कि ये एआई को प्लग इन करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और कस्टमर का अगर कोई क्वेरी है और कस्टमर उसे रेज करता है तो कंपनीज के पास ना इतना टाइम नहीं होता है, तो ये एआई जो चैटबॉट्स होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं कस्टमर्स के जितने भी क्वेरीज आते हैं उसको, ठीक है. तो इस टाइप का एक प्लगइन भी आता है जिसे बोलते हैं एआई चैटबॉट्स, है ना. तो इसे भी अगर जैसे कोई स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, तो इस आइडिया पे भी अपना कंपनी लॉन्च कर सकता है और वो ब्रांड्स को प्रोवाइड कर सकता है एआई चैटबॉट्स.
हाँ, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने मतलब निकाला. हाँ, प्लगइन एआई का एक प्लगइन बन सकता है और एक प्लगइन बन भी रहा होगा, कई जगह पे बनाना शुरू भी हो गया होगा. और उसमें इसमें आपको फायदा क्या है पता है, एआई का जो प्लगइन होता है, तो जैसे हम लोग अपना कोई D2C साइट बनाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उनका खुद का चैट सिस्टम नहीं होता है. नहीं होता है. चाहे आप किसी बैंक्स को ले लो, सरकारी बैंक को ले लो, तो उनका जो वेबसाइट होता है, तो उसके ऊपर जैसे आप आज की डेट में किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो और जैसे ही वहां पे जाते हो, तो आपको होम पेज पे एक चैट का ऑप्शन मिलेगा कि आप सपोर्ट के साथ में डायरेक्ट चैट पे बात कर सकते हो. तो वो क्या होता है, प्लगइन होता है. प्लगइन होता है, ठीक है. तो वो क्या होता है कि वो कंपनीज अपने वेबसाइट के लिए एक प्लगइन, रेडीमेड प्लगइन लेके आती है और उस प्लगइन का जो है ना अपने कोड, मतलब अपने सॉफ्टवेयर पे कोड कर देती है, तो प्लगइन कनेक्ट हो जाता है. तो मान लो कि प्लगइन का ऑनर जो है वो आप हो, साइट मेरी है, तो आप मुझे कहोगे कि मैं तुम्हें मैं तुमसे एक रेंडम पैसा लूंगा, रेंट लूंगा, और तुम अपना प्लगइन मुझे दोगे रेंट पे, और मैं प्लगइन कनेक्ट कर लूंगा अपने वेबसाइट से. जैसे मैंने जो चैट GPT के द्वारा चैट बोर्ड बना रखा है, जैसे एक मैं सब्सक्रिप्शन पैक लूंगा तुमसे, तो मैंने वो एक कॉन्सेप्ट रेडी कर रखा है कस्टमर को सॉल्व करने वाला एक चैट बोर्ड. अब मैं अपने कंपनी के थ्रू आपकी कंपनी को वो चैट बोर्ड प्रोवाइड करवाऊंगा. तो वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि चैट बोर्ड जो है आपने प्रोवाइड करा है एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन फी के ऊपर में. तो उसमें भी सब्सक्रिप्शन फी क्या होता है कि आप मेरा प्रीमियम पैकेज लेना चाहते हो, आप मेरा स्टैंडर्ड पैकेज लेना चाहते हो या एडवांस पैकेज लेना चाहते हो, तो जो उस लेवल्स के हिसाब से जिसको जो चाहिए, जो जिसमें जिस क्राइटेरिया में फिक्स होता है, वो वाला पैकेज ले लेता है और वो उसको अपना एक सब्सक्रिप्शन पे करता है. तो ये भी एक अच्छा आइडिया है. हाँ नहीं, तो अब जैसे ये तो होता था पहले चैट बोर्ड के लिए, चैट बोर्ड के लिए होता था, लेकिन अब क्या होगा, AI बोट आएगा. अब AI बोट आएगा, ठीक है. तो जैसे आपने बोला कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो एक AI बोट बना ले अपना.